हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ 10 डेज नवरात्रि में हम लोग क्या करते हैं, मैं अपने ससुराल में क्या करती हूँ, पूजा का सारा कार्यक्रम आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड, आई एम रजनी और मेरे इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का दिन। और फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मैं अपने पूजा रूम में हूँ और अभी सबसे पहला काम मेरा झाड़ू देने का होता है। अभी नवरात्रा में तो बहुत सारे बर्तन निकलते हैं, बहुत सारे पूजा का सामान सब होता है जो पूजा रूम में आके सारा एक दिन पहले ही अरेंज करना होता है। उसके क्लिप तो मैंने ऐड नहीं की है, लेकिन आगे आप लोग बहुत सारे ऐसे क्लिप देखेंगे जिसमें पूजा के सारी विधि विधान से मैंने रिकॉर्ड किया है। और अभी अपने रूम में, पूजा के रूम में मैंने झाड़ू अच्छे से दे दिया है। इतने सारे देखिए डस्ट निकले हैं पूजा रूम में, जबकि डेली झाड़ू और पोछा इस रूम में होता है। इसी रूम में क्या, पूरे घर में ही होता है। और पूजा रूम से निकलते ही ये बाहर का बरामदा है, जहाँ बाहर में मैं इस तरह से अपना बाहर के बरामदे को ये बाहरूंगी। और अब अंदर आ चुकी हूँ। इतने सारे बर्तन है जिसको मुझे मांजना है। और इसी में आज षष्ठी का दिन है और आज के दिन खीर बनने वाला है, इसलिए मैंने बड़े बड़े बर्तन निकाल लिए हैं। और देखिए, ये क्लिप फिर से ऐड ऑन करना पड़ा मुझे, क्योंकि बाहर का क्लिप मैं उस समय नहीं दे पाई थी। और ये मेरे घर के मेन गेट हैं, जो पूरे गंदगी को मैंने बाहर कर दिया। और अब अंदर आके पूजा के सारे बर्तन को धो रही हूँ। और पूजा के बर्तन को साफ करने के बाद यहाँ पर मैं बाहर में पूजा रूम के बाहर आ गई हूँ, जहाँ पर मैंने बेलपत्र के डाली से बहुत सारे बेलपत्र को तोड़ा है। डेली ये बहुत सारे डाली ले आते हैं बेलपत्र के, और डेली मुझे इस तरह से इसे तोड़ना पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं बेलपत्र का, ये 3 पत्ता ही चढ़ता है भोले बाबा को, दुर्गा माँ को, जितने भी भगवान होते हैं, इसलिए बहुत सारे बेलपत्र मुझे डेली तोड़ने होते हैं। और इस तरह से बेलपत्र को डेली तोड़कर मैं रिजर्व भी रख देती हूँ, स्टॉक में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ टूटे हुए जो ये बेलपत्र होते हैं, बिल्कुल फ्रेश जो नहीं होते वो सब नहीं चढ़ते हैं, उसे मैं साइड हटा देती हूँ। फ्रेंड, एक बात और, अगर आपके घर में, घर के पास कोई मार्केट काफ़ी दूर है या घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं है, तो आप भी स्टॉक में इसी तरह तोड़कर रख सकते हैं फ्रेंड, आगे के दिन यूज़ करने के लिए। और फ्रेंड, यहाँ पर डाली में जितने भी फूल आप देख रहे हैं बिल्कुल एक साथ रहते हैं, इसको अलग अलग डेली मुझे करना होता है। अड़हुल के अलग, कनेल के अलग, जितने भी फूल आप देख रहे हैं सबको अलग अलग मुझे करने होते हैं। ये सारे फूल मेरे पति डेली सुबह सुबह तोड़ कर लाते हैं, जिसे मैं अलग करती हूँ। और फ्रेंड, इसके पहले आप लोगों ने देखा मैं पिठार पीस रही थी, जो कि देवता को हम लोग लगाते हैं पूजा करने से पहले। और यहाँ पे सारी तैयारी हो रही है प्रसाद बनने की, और पंडित जी आने वाले हैं, इसलिए पूजा का सारा प्रसाद भी मैंने काट लिया है। और अब पूजा में जिस तरह से प्लेट लगने वाले हैं वो सब मैं अरेंज करने वाली हूँ। और यहाँ पे बटुक कुमारी सब आने वाली हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे खीर की व्यवस्था कर रही हूँ, खीर बना रही हूँ। और ब्राह्मण देव भी आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बड़े वाले बर्तन में खीर बना रही हूँ। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, ये पूजा के सारे विधि अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड और फैमिली में इसे शेयर कीजिए। और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यहाँ पे हमारे कुल देवता हैं, जहाँ पे ये सारे चीज़ हटेंगे और ये मतलब फिर से विधि विधान से इनका नहाना होगा, पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू होगा। और फ्रेंड, ये नेक्स्ट डे का है। ये सारी खीर जो मैं बनाती हूँ, ये नहाने के बाद ही मैं इसे छू सकती हूँ, और इससे पहले मैं ये इसे नहीं बना सकती। और देखिए, आप बगल में पंडित जी भी आ चुके हैं। और फ्रेंड, दुर्गा पूजा के पहले दिन से ही ये मिट्टी के महादेव के 3 रूप बनाए जाते हैं हम लोग यहाँ, इनकी भी पूजा की जाती है डेली। मिट्टी को मैं पहले तोड़ कूटती हूँ, उसे पानी से भिंगा के गीला कर लेती हूँ, तब जाके ये तैयार होते हैं। और यहाँ पर मिट्टी के दिया डेली तैयार होता है, जिनका पूरे विधि विधान से पूजा होता है। और यहाँ पर मैं पान लगा रही हूँ, इससे पहले मैं रोट बना रही थी जो कि कुल देवता को चढ़ते हैं। और फिर से यहाँ पे मेरा खीर तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुमारी बटुक और ब्राह्मण देव को खिलाने के लिए। तो इस तरह से 10 दिन हम लोग के यहाँ पूजा होते हैं, सिर्फ 2 दिन ही खीर बनता है। सारे दिन जो आप फल देख रहे थे वो सब चढ़ते हैं। और इस तरह से बर्तन जब खाली हो जाते हैं तो इस डेली से मैं मांज देती हूँ। और आप लोग फ्रेंड बताइएगा कि मेरे गांव में इस तरह से पूजा जो हो रही है दुर्गा पूजा में, ये आप लोग को कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि कुल देवता ज़्यादातर तो शहर में होते नहीं हैं, मिट्टी यहीं पे गांव में ही रहते हैं। और इस तरह से ये मेरे पति नीचे आ चुके हैं, पंडित जी के साथ बैठकर ये पूजा कर रहे हैं। और इस तरह से प्रसाद को चढ़ाया गया, जयंती में जल देकर उन पर फूल अर्पित किया गया। और यहाँ मैं क्रॉस किया मैंने। सो फ्रेंड, यही था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी नए नए वीडियो और ब्लॉग आते रहेंगे। और फ्रेंड, ये देखिए अष्टमी दिन का है, पूरे फैमिली के साथ मैं दुर्गा माँ का मूर्ति देखने के लिए जब गई हुई थी। और मेरे फैमिली में बस हम 5 लोग हैं और एक मेरा पेट है। यहाँ पिक्चर में जो आप देख रहे हैं, मेरी सासू माँ है, ये मेरे दोनों बच्चे हैं, और ये मेरे पति देव हैं, और हमारा एक पेट डॉग, और पेट डॉग का नाम है वीरू, जिसे आप आगे के ब्लॉग में, आगे की वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोगों ने दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ओके, बाय।